हाय एवरीवन, आप सबका फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक आईडी को फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो से कैसे लॉगिन करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करने के बाद हमें वीडियो में टैग लगाना होता है, वीडियो में थंबनेल लगाना होता है, वीडियो में हैशटैग लगाना होता है, बहुत कुछ जो है हमें वीडियो में करना होता है। तो हम उसके लिए यूज करते हैं YT स्टूडियो एप्लीकेशन को। ठीक उसी तरह से हम जब भी कोई फेसबुक पे जब कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसको मैनेज करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो का। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फेसबुक आईडी को कैसे फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो से लॉगिन करोगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आप लोग को इसी तरह का नया नया वीडियो हमारे इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मोबाइल की। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो को, जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ, आप इस तरह से ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब यदि आप पहली बार क्रिएटर स्टूडियो में आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पे लॉग इनटू अनदर अकाउंट का जो ऑप्शन दिख रहा है आप उस पर टाइप कर दीजिए। जैसे टाइप करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन कुछ हो जाता है इस तरह से। तो अब आपको यहाँ पर करना है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है। पहला ईमेल और फ़ोन नंबर। जब आपने फेसबुक पर अकाउंट बनाया था उस वक्त आपने जो ईमेल आईडी दिया था या जो मोबाइल नंबर दिया था आपको उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद जब आपने फेसबुक अकाउंट बनाते समय जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर नीचे एंटर कर देना है। उसके बाद लॉगिन पर टाइप कर देना है। इतना कर देंगे तो आपका जो है क्रिएटर स्टूडियो में आपका जो है फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर से मैंने बनाया था फेसबुक अकाउंट और जो है पासवर्ड में दोनों एंटर करके फिर आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना जो है मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है और अपना जो है फेसबुक पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो लॉग इन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर टैप कर देंगे तो देखिए आपके सामने फिर से नया पेज ओपन हो जाता है कुछ ही सेकेंड में। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है सेव पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, अगर इसको सेव कर देंगे तो आप जब भी लॉगिन करना चाहेंगे फेसबुक का अकाउंट अपना क्रिएटर स्टूडियो में तो तुरंत हो जाएगा वो लॉगिन। लेकिन मैं इसको नॉट नाउ पे टैप कर दूंगा। अब आपको फ्रेंड्स करना क्या है, आपने जो भी फेसबुक पे अपना जो फेसबुक पर अपना पेज अकाउंट क्रिएट किया था आप जिसको भी यहाँ पर ओपन करना चाहते हो आप उसको ओपन कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर जो है फर्स्ट में तो इस पर टैप कर दूंगा। तो देखिए हमारे जो है फाइनली हमारे जो है मोबाइल फ़ोन में ओपन हो चुका है हमारा फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। अब यहाँ से हम जो भी फेसबुक पेज पर जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे और उस वीडियो को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह का नया नया वीडियो हमारे इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा।